सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कामयाब होने के लिए स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि दूसरा कुचल कर चला जाए। बुरा तो हर कोई होता है दोस्तों, फरिश्ते ना तो आप हैं और ना ही हम। आज का पंचांग 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 5:39 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र शाम 5:31 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 4:17 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, घर और रिश्ते से संबंधित चिंताओं की उदासी के कारण कुछ समय विचार करने के लिए निकालेंगी। अपने विचारों और सपनों को शब्दों, तस्वीरों और गाने में व्यक्त करें। स्वस्थ होने के लिए समय निकालें ताकि आने वाली दिनों में आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। आप में से कुछ आज स्वयं को अव्यवस्थित परिस्थिति में पाएंगे जिसमें दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। नए विचार आपके करियर में नया मोड़ ला सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना एक अच्छा विकल्प है। याद रखें कि सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक अपनी कड़ी तपस्या से आप उन्हें महसूस नहीं कर लेते। समय अनुकूल है, इसका भरपूर सहयोग करें तथा व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में मस्त रहें। घर का माहौल व्यवस्थित बना रहेगा। पड़ोस में किसी धार्मिक समारोह में जाने से लोगों का साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। लोगों के साथ विवादों को दूर करने की कोशिश करें। हर एक व्यक्ति के लिए नाराजगी महसूस हो सकती है। जब तक आपका निर्णय पक्का नहीं होता तब तक अन्य लोगों के साथ किसी भी बात की चर्चा ना करें, वरना मुख्य बातें छोड़कर अन्य बातों के कारण ही आप खुद की समस्या को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित नए कामों को सीखने का मौका आपको प्राप्त होगा। पार्टनर की निष्ठा पर सवाल ना उठाएं। सावधानियां, किसी किसी समय आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी है क्योंकि आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। भाइयों के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने भाई बहन सहकर्मी से मुलाकात करके उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने लव लाइफ के बारे में कोई खास निर्णय लेंगे। प्रेमी युगलों के लिए आने वाला कुछ दिन मस्त जाएंगे। अपने शौक को नजरअंदाज ना करें। आप खुश रहेंगे तभी अपने साथी को भी खुश रख सकेंगे। आज कठिनाइयों से बाहर आने के लिए आपको किसी की सहायता की जरूरत है। चिंता ना करें क्योंकि आपको सहायता जल्द मिलने वाली है। अपने लव के गुलशन में ऐसे ही बाहर रहे इसके लिए आपको कुछ योगदान देना पड़ेगा। अपने साथी पर पूरी तरह से भरोसा रखें और इस भरोसे को कभी टूटने ना दें। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानी के कारण आज काम में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। अपने चाहने वालों की सलाह की सुनवाई करें और भावनाओं को भी व्यक्त करें। घरेलू काम जैसे टूटी हुई खिड़कियां या लीक नल को ठीक करना भी आज आपकी प्राथमिकता है। एक विजेता की तरह सोचे अपने कौशल को पॉलिश करें। आज आप किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने खास मित्र से संपर्क करें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोचें और यह पता करें कि भविष्य में इसका क्या प्रभाव होगा। याद रखें सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक आप उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। बात करते हैं सेहत की। पेट संबंधित दिक्कतों से राहत पाने के लिए अपने खान पान व दिनचर्या को संयमित रखना जरूरी है।
बदन दर्द की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।